समारोह च हिस्सा लैन पुजे पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी कुमार ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि भाजपा अतवाद दे पूरी तरह खिलाफ है अते दहशतगर्दी मानसिकता वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है, पूरी तरह खिलाफ है और सरकार को कड़ाई से कानून का पालन करना चाहिए। अब्दुल गुलगुमी के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। उधर पंजाब भाजपा मामले में इंचार्ज शांता कुमार ने भी पुलर खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जलंधर विखे पार्टी कारकुना की बैठक च शिरकत करन पुजे शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी अतवाद का विरोध करती है अते बेकसूर लोगों दी जानां नाल खेडण वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद के खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए और आतंकवाद के संबंध में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। देखिए, ऐसा गठबंधन में जो पार्टियां शामिल है उनकी अपनी अपनी पार्टी तो किसी एक विषय पर अलग राय हो सकती है, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। भाजपा का स्टैंड मैंने आपको बता दिया। कसाब अफजल गुरु आते हुए दविंदर पाल सिंह पुलर समय समय से इन्होंने दहशतगर्दा धर्म के चश्मे न देखा जाता रहा है, जिसके चलते अज तक अजिहे दहशतगर्द फांसी के फंदे तो बचते रहे। भावें कि भारत ने पाकिस्तान मोस्ट वॉन्टेड दहशतगर्दा भारत को सौंपन की गल आखी है, पर देश में मौजूद दहशतगर्द अजे भी फांसी तो दूर ने। न्यूज डेस्क तो संदीप मिश्रा के नाल लुधियाना तो राजेश इंद्रपाल और कुमार संजीव पीटीसी न्यूज जलंधर। जिथे हुणे एक मंदभागी खबर करनाल तो जिथे अज सवेरे तड़कसार यात्रियां नाल भरी एक टूरिस्ट बस एक क्रेन नाल टकरा गई, जिस